नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 जिसका नाम है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण का पार्ट सेकंड शुरू करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो कल हमने पढ़ा था कि पादपों में जो तरुण पादप के जड़ के जो तरुण भाग होते हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो तरुण भाग है इसे 5 भागों में बांटा गया है। इसमें हमने जो चौथा भाग पढ़ा था मूल रोम, ये जल का अवशोषण करता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मूल रोम होता है वो जल का अवशोषण करने के बाद पादप के विभिन्न भागों में जल का किस प्रकार प्रवाह होता है। तो आज हम जल के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे कि मूल रोम द्वारा जल का प्रवाह कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पादपों में जल का मार्ग। तो हम जानेंगे कि पादपों में जो जल का मार्ग मतलब जल का प्रवाह किस मार्ग द्वारा होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जड़ होती है इसमें इसके मध्य में जाइलम होता है। इसके जो मूल रोम होते हैं जहां मूल रोम क्षेत्र होता है जहां से हजारों मूल रोमें निकलती हैं वहां से जल का अवशोषण होता है। मूल रोम जल का अवशोषण करती है और मूल रोम जो है वो जल का अवशोषण करने के बाद जाइलम में जल को प्रवाहित कर देती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पारस्वीय प्रवाह को हम 3 भागों में बांटते हैं। मतलब जो मूल रोम से जाइलम में जो जल प्रवाहित होता है वो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एपोप्लास्ट, जिसे अपलवक पथ कहते हैं। एक तो एपोप्लास्ट मतलब जो क्रिया एपोप्लास्ट होती है उसमें जल मूल रोमों द्वारा जाइलम में जाता है। इस प्रकार जो है 3 विधियां होती है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। ये 3 विधियां होती हैं मूल रोम से जाइलम में जल के प्रवेश की। तो हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने चित्र है, इसमें 4 पादप कोशिकाएं। ये जो है मूल की आंतरिक संरचना है। इसमें जो बाहरी बार का है ये मूलीय त्वचा। ये मूल के अंदर जो है वो 4 लेयर्स होती हैं। मूलीय त्वचा, वलकुट, ये वलकुट बहुत बड़ा भाग होता है। इसमें हमने एक ही कोशिका दिखाई है। इसमें जो है वो मूल का सबसे बड़ा भाग वलकुट होता है। अंतस्थ त्वचा और परिलंब, उसके बाद में आ जाता है जाइलम। ये मूलीय त्वचा पर मूल रोम पाए जाते हैं। जैसे एक कोशिका से ये मूल रोम निकल गया, ये मूल रोम जो है वो जल अवशोषण करता है। ये जल अवशोषण करता है और जाइलम में पहुंचाता है। इसकी 3 विधियां होती हैं। एपोप्लास्ट, हम पहले एपोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। जैसे एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट जो है उसे निर्जीव पथ भी कहते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो कोशिका भित्ति होती है ये विलायक और विलय के लिए पारगम्य होती है, लेकिन कोशिका भित्ति पर सुबेरीन पदार्थ का जमा हो जाता है जिसके कारण ये निर्जीव हो जाती है। मतलब ये निर्जीव हो जाती है और जल के लिए अपारगम्य बन जाती है। मतलब जल इसके पार नहीं जा सकता। अब पहली एपोप्लास्ट में क्या होता है, अपलवक पथ में जो जल मूल रोम द्वारा अवशोषित किया गया था वो कोशिका भित्ति और ये जो दूसरी है ये कोशिका झिल्ली है, इनके बीच में ये जो अंतरकोशिकीय स्थान है इसके माध्यम से ये जल जाइलम में जाता है। अब इसमें अवरुद्ध उत्पन्न होता है। जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि जो अंतस्थ त्वचा होती है, अंतस्थ त्वचा जो परिलंब के बाहर की साइड पाई जाती है उस पर कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कैस्पेरियन पट्टिकाएं, तो कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं वो जल के लिए अपारगम्य होती हैं। तो यहां अंतस्थ त्वचा में जो जल है
वो आता है और कैस्पियन पट्टिकाओं के कारण यह अवरुद्ध हो जाता है। फिर ये जल जीव द्रव्य कोशिका के जीव द्रव्य प्रवेश करता है और जीव द्रव्य में से फिर वापस में उस अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश करता है। इस तरह फिर वापस से ये अपलवक पथ स्टार्ट हो जाता है। इस पथ को क्या कहते हैं, इस पथ को पारकला पथ, पारकला पथ कहते हैं। फिर ये वापस स्टार्ट हो गया, यही पथ कौन सा, अपलवक पथ। अपलवक पथ स्टार्ट होने के बाद ये जो जल है वो दोनों कोशिका कलाओं के मध्य से होता हुआ जाइलम में प्रवेश कर जाता है और जाइलम पौधे के विभिन्न भागों में जल को प्रसारित कर देता है। इस प्रकार ये पहली विधि हो गई अपलवक पथ। मूल रोम जो होता है, मूल रोम जो होती है उससे अवशोषित जो जल होता है वो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य जो अंतरकाशीय स्थान पाया जाता है उसके मध्य से होता हुआ जब जाइलम में पहुंचता है तो इस विधि को क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट। ये निर्जीव पथ होता है क्योंकि ये कोशिका भित्ति पर सुबेरिन का जिमा हो जाता है, इसके कारण कोशिका भित्ति निर्जीव हो जाती है, इसलिए हम इसे निर्जीव पथ भी कहते हैं। दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ में क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं दो कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, ये आपस में सारी कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा। इन दोनों कोशिकाओं को जो जोड़ने वाले जो जीव द्रव्य तंतु हैं, जैसे ये तो प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, अब ये जो इन दोनों को जोड़ने वाले जीव द्रव्य तंतु हैं इनको क्या कहते हैं, इन जीव द्रव्य तंतुओं को, ये हैं जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु जो होते हैं वो प्लाज्मा डेस्माटा होते हैं, मतलब दोनों कोशिकाओं को जोड़ने वाला स्थान क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इसे हम सजीव पथ कहते हैं क्योंकि इसमें जो जल मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जो होता है वो सजीव सभी सजीव कोशिका के अंदर से प्रवेश करते हुए जाइलम में पहुंचता है, इसलिए हम सजीव पथ कहते हैं। जबकि इसको निर्जीव पथ क्यों कहा था, क्योंकि इसमें सुबेरिन का जिमा हो गया था जिसके कारण कोशिका भित्ति निर्जीव हो गई थी, इसलिए इसे निर्जीव पथ। अब जो ये दो दूसरा सिम्प्लास्ट होता है, सिम्प्लास्ट पथ, इसे हम कहते हैं समलवक पथ। ये समलवक पथ होता है, ये अधिकतम प्रतिरोध वाला होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो कोशिका के अंदर, जैसे इस कोशिका के अंदर ये जो 75 से 80% भाग रिक्ति का मतलब खाली स्थान होता है कोशिका के अंदर 75 से 80% भाग, और बाकी ये जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग जैसे ये कोशिकांग हो गए, और कुछ मात्रा में जल पाया जाता है, मतलब जल जो होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, विलायक कम होता है। तो इसमें जैसे ही जल होगा, इसमें जैसे ही जल आएगा तो इसमें विलायक की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, जबकि इस कोशिका में विलायक की मात्रा कम हो जाएगी। तो अधिक सांद्रता से परासरण क्रिया जो होती है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक मतलब जल के अणु जो हैं वो इस कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार सभी कोशिकाओं में प्रवेश करते हुए जाइलम में पहुंच जाता है जल। ये जो होता है वो अधिकतम प्रतिरोध होता है क्योंकि इसमें अशुद्धि यानी कोशिकांग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे विलायक के अणु मतलब जल के अणु की गतिज ऊर्जा कम होती है। गतिज ऊर्जा कम होगी तो परासरण दाब कम होगा, और परासरण दाब कम होगा तो परासरण की क्रिया धीमी होगी और अधिकतम प्रतिरोध होगा। तो इस प्रकार जो सिम्प्लास्ट मतलब समलवक पथ होता है वो अधिकतम प्रतिरोध वाला पथ होता है। अब तीसरी विधि है रसधानीय पथ। रसधानीय पथ में क्या होता है, रसधानीय पथ में जो मूल रोम अवशोषित करते हैं जल को, जैसे ये मूल रोम जल को अवशोषित करते हैं तो ये खाली स्थान पे पहुंच जाता है, टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट से होता हुआ खाली स्थान पे पहुंच जाता है, खाली स्थान रिक्तिका में पहुंच जाता है। अब ये जो कोशिका की रिक्तिका होती है वो दूसरी कोशिका की रिक्तियों में किसके माध्यम से, ये तो प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से जो हो रहा था ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से होगा। इस प्रकार ये होता हुआ कोशिका झिल्ली से टोनोप्लास्ट से होता हुआ दूसरी रिक्तिका में पहुंच जाता है। इसी प्रकार सभी कोशिकाओं को भेजते हुए जल जाइलम में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार के पथ को क्या कहते हैं, रसधानीय पथ, मतलब रिक्तिका से जो जल का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, रसधानीय पथ। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एपोप्लास्ट में क्या होता है,
निर्जीव कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली के मध्य जो अंतरकाश स्थान पाया जाता है उसके मध्य से जल का प्रवाह होता है और इसमें अंतस्त त्वचा पर कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं जिसमें जल मार्ग पाए जाते हैं। जल मार्ग के माध्यम से होता हुआ जीव द्रव्य जाता है और जीव द्रव्य से वापिस उन कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य में चला जाता है। तो इस वाले पथ को क्या कहते हैं? पारकला पथ। इस प्रकार ये होता हुआ सभी कोशिकाओं को भेदता हुआ ये जाइलम में पहुंच जाता है और जाइलम सभी पादपों में सभी पौधे के सभी भागों में जल का प्रवाह कर देता है। दूसरा सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होता है? ये सजीव पथ है। जैसे ये जो जीव द्रव्य सजीव है, जीव द्रव्य में आता है जल और इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है जिससे परासरण क्रिया हो जाती है, जबकि ऊपर वाले एपोप्लास्ट में क्या हो रहा था? विसरण क्रिया हो रही थी, विसरण क्रिया। इसमें परासरण क्रिया हो रही है, परासरण क्रिया के माध्यम से होता हुआ जाइलम में पहुंच जाता है। जबकि रसधानीय पथ में क्या होता है? जैसे मूल रोम द्वारा अवशोषित जो जल होता है वो एक कोशिका की रिक्तिका में पहुंच जाता है। रिक्तिका क्या होती है? रिक्त स्थान। रिक्तिका से होता हुआ ये टोनोप्लास्ट को भेदता हुआ कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली को भेदते हुए टोनोप्लास्ट में फिर वापस रिक्तिका में ऐसे हर कोशिका में जाता हुआ ये जाइलम में पहुंच जाता है और जाइलम सभी भागों में पहुंचा देता है। अब हम देखें तो जैसे ये ब्लैक पेन से जो सिंबल बना रखे हैं ऐसे ये वाले यहां से होते हुए ये इन्हें क्या कहते हैं? अपलवक पथ। अपलवक पथ। अब ये जो नीले पेन से बनाए हुए हैं ये जीव द्रव्य से होते हुए ये जो है जीव द्रव्य से होते हुए इस पथ को क्या कहते हैं हम? ये जो सीधे हैं इसको क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट या फिर समलवक पथ। अब ये जो रेड सिंबल से बना रखे हैं जो रसधानी रस रिक्तिका में पहुंचते हैं जो जल उसको क्या कहते हैं? जैसे ये डैश डैश से इसे क्या कहते हैं? रसधानीय प्रवेश। रसधानीय प्रवेश या रसधानीय पथ। अब ये तो हो गया कि मूल रोम जो होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं जाइलम में किस प्रकार प्रवेश करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है प्राप्य मृदा जल। मतलब मृदा जल जो होता है वो पर्याप्त अवस्था में होना चाहिए, ना तो जल धारण क्षमता से अधिक हो और ना स्थायी मिलानी प्रतिशतता से कम हो। जैसे जब बरसात होती है तो मृदा में जल उतना ही रुकता है जितनी उसकी मृदा जल धारण क्षमता होती है और जो बाकी का जल होता है वो गुरुत्वीय जल होता है, मतलब नीचे चला जाता है, इतना नीचे चला जाता है कि पादप की जड़ें उसे अवशोषित नहीं करती हैं। तो मृदा में मृदा जल उतना ही होना चाहिए जितना उसकी जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता से अधिक मृदा में जल नहीं होना चाहिए और स्थायी मिलानी प्रतिशतता से कम नहीं होना चाहिए। स्थायी मिलानी प्रतिशतता क्या होती है? जब भूमि में लगे हुए पौधे जब पहली बार पत्ती उसकी पत्ती मुरझान करती है तो उसे हम स्थायी मिलानी प्रतिशतता कहते हैं। जैसे किसी भूमि में 100% मृदा जल होना चाहिए जबकि उसमें 5% मृदा जल है तो उसकी पत्ती पहली बार मुरझान प्रदर्शित करेंगी, तो इस 5% को क्या कहेंगे? स्थायी मिलानी प्रतिशतता। मतलब प्राप्य मृदा जल है इसमें क्या होना चाहिए कि जो 5% जब पत्ती 5% पर स्थायी मिलानी प्रतिशतता दर्शाती है प्रदर्शित करती है तो उसमें मृदा जल जो है वो 5% से अधिक होना चाहिए और जल धारण क्षमता से कम होना चाहिए। तो जल धारण क्षमता और स्थायी मिलानी प्रतिशतता जो होती है वो जल अवशोषण को प्रभावित करती है। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में है दूसरा मृदावातन। मृदावातन क्या होता है? मृदा में वायु कितनी उपस्थित होती है, मतलब मृदा में वायु की उपस्थिति मृदावातन कहलाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जितने मृदा के कण में बीच में अवकाश अधिक होगा तो उसमें जल अधिक होगा। जैसे मृदावातन है इसमें क्या होगा?
ये मृदा के कण है। अगर इनमें अवकाश अधिक पाया जाएगा, जैसे ये अवकाश अधिक पाया जाएगा तो यहाँ पर मृदा जल जो है वो अधिक रुकेगा, मतलब यहाँ पर मृदा जल अधिक पाया जाएगा। जैसे जैसे इनके मध्य अवकाश अधिक होगा तो उसमें मृदा जल अधिक पाया जाएगा। तो मृदा वातन में क्या होता है कि जैसे मृदा में जो कण है उनके मध्य अवकाश अगर अधिक होगा, जैसे ये मृदा में अवकाश बिल्कुल नहीं है तो इसमें मृदा जल नहीं रुकेगा। अगर इसमें वायु की उपस्थिति अधिक होगी, जैसे इसमें मृदा के कण दूर दूर होंगे तो उनके मध्य अवकाश पाया जाएगा, उसमें मृदा जल होगा। तो मृदा वातन जो होती है वो जल अवशोषण को प्रभावित करती है, क्योंकि मृदा वातन से मृदा जल की उपस्थिति होती है। जितना मृदा वातन होगा उतना ही मृदा जल अधिक होगा। जबकि जलक्रांत मृदा, जैसे ये जल का जलक्रांत है, इसमें जल नहीं है, इस मृदा में जल का अवशोषण न्यून या शून्य होगा, क्योंकि इसमें अवकाश नहीं है तो मृदा जल नहीं पाया जाएगा और पौधों को वह आसानी से प्राप्त नहीं होगा। अगर इनके मध्य अवकाश अधिक पाया जाएगा तो वो पौधों की जड़ों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो जो मृदा वातन होता है वो जल अवशोषण को प्रभावित करता है। जितना अधिक मृदा वातन होगा जल अवशोषण उतना ही अधिक होगा। मृदा जलक्रांत मृदा में, जिसमें मृदा जल नहीं पाया जाए यानी मृदा वातन नहीं हो, तो उसमें जल अवशोषण नहीं होगा या फिर न्यूनतम होगा। तीसरा है मृदा तापमान। अगर मृदा का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा तो जल अवशोषण जो होता है वो अच्छी तरह से होगा। यदि 20 से कम हो जाए या फिर 30 से अधिक हो जाए तो उसमें जो है जल अवशोषण की दर घट जाती है। तो जो मृदा तापमान होता है वो भी जल अवशोषण को प्रभावित करता है। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में चौथा है मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता में क्या होता है, जैसे ये भूमि है नीचे, इसमें जल जो होता है वो खनिज पदार्थ के साथ घुलित अवस्था में होता है, जल प्लस खनिज पदार्थ। अब हमने पीछे पढ़ा था ये विलयन के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें जल जो होता है वो विलायक होता है और खनिज पदार्थ विलेय होते हैं। तो जितने अधिक खनिज पदार्थ होंगे उतने विलेय, मतलब खनिज पदार्थ बढ़ेगा तो विलेय बढ़ेगा, विलायक में विलेय की सांद्रता अधिक होगी तो इसमें विलायक की सांद्रता कम होगी। विलायक के मतलब जल के अणु जो होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा में खनिज पदार्थ बाधा डालते हैं, जिससे उसका परासरण दाब कम होता है। जैसे ये जड़े हैं, अब इसमें अगर खनिज पदार्थ, जल में जो खनिज पदार्थ अधिक होगा तो जल की गतिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो प्रतिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। किसमें? विलायक में। विलायक में प्रतिरोधक के रूप में खनिज पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। अगर खनिज पदार्थ जितने अधिक होंगे, मतलब विलेय या अशुद्धि जितनी अधिक होगी तो विलायक की गतिज ऊर्जा कम होगी, यानी कि मुक्त ऊर्जा कम होगी, जिससे परासरण दाब कम लगेगा मूलों में। तो जो मृदा में जो मूल्य होती हैं उनमें जल जो है वो कम विसरित होगा तो जल अवशोषण को प्रभावित करेगा, मतलब जल अवशोषण को खनिज पदार्थ भी प्रभावित करते हैं। जितने अधिक खनिज पदार्थ होते हैं जल अवशोषण की जो दर होती है वो उतनी ही कम होती है, क्योंकि जो विलेय होता है वो अवरुद्ध उत्पन्न करता है। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।